एक मोमेंटम शानदार, इस समय क्या ट्रेड लेंगे? लॉन्ग साइड, और लॉन्ग साइड रहेगा स्टॉक एनएमडीसी का। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आया कुछ 7-8 दिन का, और मैं इसको काफी समय से वॉच कर रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम पर। इसमें एक अपमूव है, आज लेना है 260 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक का, ये 250 का, लेकिन ये स्टेट बीटीएसटी के तौर पे भी ले आ सकते हैं, आज के लिए नहीं। 270, 275, 280 लगता है ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए आते दिनों में। तो यस, ध्यान है एनएमडीसी पर। ओके, एनएमडीसी प्रकाश सर ने पिक किया और कॉल गई स्क्रीन पे 260-80 पर मेटल्स में। मूव अच्छा है इसमें स्टॉक। मैम मानस, आप क्या पिक करेंगे? वीरेन जी, चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। चोला फाइनेंस ने अपने 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिकवरी में 20-day मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो चोला फाइनेंस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1239 के स्टॉप लॉस है, 1239 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1285 1285 के टारगेट सेट करने हैं चोला फाइनेंस में। ये कैश लेवल्स हैं, अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1260 का कॉल ऑप्शन जो 51 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 52 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 75 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो चोला इन्वेस्टमेंट में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। 1260 का कॉल आप लेकर चलेंगे, ये तेजी का ट्रेड है, टारगेट 75 का। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून, और मेरा ट्रेड रहेगा पॉलीकैब के फ्यूचर्स में। पॉलीकैब के फ्यूचर्स करीब करीब 6800 के आसपास मंडरा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 6750 का एसएल लगा सके तो ऊपर वाली साइड पे 6820 एंड 6850 के टारगेट्स रख सकते हैं। ओके, चलिए आप चलते हैं कविता जी के पास और उनसे ट्रेड ले लेते हैं। आज हमारे पैनल में काफ़ी लेडीज हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून आनंद जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेटल्स में बहुत अच्छे रोल ओवर्स बढ़ते हुए देखे हैं, तो मेटल क्षेत्र से ही मेरा पिक। नेशनल एल्यूमिनियम पर अच्छी पोजिशनिंग बनते हुए दिख रही है, 194 के लेवल पर है। सो फॉर अ डे और टू, इवन 4-5 जून के हिसाब से भी हम इस काउंटर को देख सकते हैं। 199-202 के प्राइस टारगेट के लिए नेशनल एल्यूमिनियम पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 192 का, और एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। 193-10 पे आपका कविता जी का नाल को कॉल हो गया। अब चलते हैं स्नेहा जी के पास। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, अगर आप इंडिविजुअल काउंटर्स में देखें तो मुझे कोल इंडिया काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करा है हायर लेवल से, और 20 DEMA के आसपास कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिए जा रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप चार्ट भी देखें तो काफी समय से उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एनी डेप्थ इज बीइंग बॉट इनटू, तो यहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि आप कोल इंडिया में लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस इसमें 479 का रहेगा, और जो टारगेट है वो 507 का रहेगा। ओके, तो ये इनफैक्ट कोल इंडिया पर एक 507 के लिए एक पर्सपेक्टिव आता हुआ स्नेहा ने ये पिक किया है। राजेश अग्रवाल हमारे साथ है। राजेश जी, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। ट्रेड के लिहाज से अगर बात की जाए तो मैं एनएमडीसी के साथ जाऊंगा। हालांकि गावा सर ने दे दिया है, बट मैं थोड़ा फंडामेंटल अगर डिस्कस करूँ तो आयरन ओर की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत की नवरत्न है, और छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में इनके माइंस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी करीब करीब 16% का मार्केट शेयर ये यूज करती है। कुछ एक्सपेंशन प्लान किए हुए हैं, केपेक्स प्लान किए हुए हैं एवेक्यूशन वगैरह के लिए, और अब लीडियम एसेट्स में भी ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं। डिविडेंड 2-2.5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बैठती है, वैल्यूएशन बहुत शानदार है, और ऐसे बाजार में जहाँ की बहुत अनिश्चितता है एग्जिट पोल को लेकर के या आने वाले दिनों में चुनाव के नतीजों को लेकर के, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सेफ खेलना चाहिए। और ये ऐसा स्टॉक है जो मध्यम से लंबी अवधि भी अगर कोई रखे तो आपको रिटर्न दे देगा। शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ 284-285 के टारगेट के साथ यहाँ पोजिशन बनाई जा सकती।